भारतीय जनता पार्टी एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रही है, वहीं युवा कांग्रेस द्वारा आज बेरोजगारी दिवस मनाकर इन कार्यक्रमों के प्रति अपनी नाराजगी जताई गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी की तथा फल और पकौड़े बेचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। आज हम मोदी जी के जन्मदिवस को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में सभी युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मना रहे हैं। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, पर जनता को एक भी युवाओं को कोई रोजगार नहीं दिया और गरीबी भूखमरी और बढ़ गई है मोदी जी के राज में। और कोरोना काल में भी इन्होंने कोई अच्छा कार्य नहीं किया और रोजगार कम खत्म कर दिया। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिसको युवा कांग्रेस आज बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है, क्योंकि मोदी सरकार ने जो वादे किए थे चुनाव से पहले और दोनों चुनाव में कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देश के युवाओं के लिए दी जाएगी, मगर आज का देश का युवा उस नौकरी के बहाने से चला गया। और आज के देश का युवा जो डिग्री लेकर बैठा हुआ MBBS की, LLB की और कई जो BA डिग्री लेकर बैठा हुआ आज ये सब बेरोजगार हो चुका है और इस कदर मजबूर हो चुके हैं कि वो ठेले लगाकर फल सब्जियां और चाय पकौड़े के ठेले लगाकर अपना रोजी रोटी से गुजारा निकाल रहे हैं। और